ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे साईं, हे बाबा, आज श्री साईं सच्चरित्र का अध्याय 50 का पठन होने जा रहा है। हे बाबा, आशीर्वाद दे ये अध्याय अन्य सभी अध्यायों की भांति हमारे चित्त में उतरे और इसका सभी को लाभ हो। आइए शुरू करते हैं अध्याय 50। पहला काका साहेब दीक्षित, दूसरा श्री टेम्बे स्वामी, तीसरा बालाराम धुरंधर की कथाएं। मूल सचरित्र के अध्याय 39 और 40 को हमने एक साथ सम्मिलित कर लिखा है, क्योंकि इन दोनों अध्यायों का विषय प्राय एक सा ही है। अब मूल सचरित्र का अध्याय 51 यहाँ 50वें अध्याय के रूप में लिखा जा रहा है। इस अध्याय में पहला काका साहेब दीक्षित और दूसरा टेम्बे स्वामी और तीसरा बालाराम धुरंधर की कथाएं हैं। प्रस्तावना, उन श्री साई महाराज की जय हो जो भक्तों के जीवनाधार एवं सद्गुरु हैं। वे गीता धर्म का उपदेश देकर हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। हे साई, कृपा दृष्टि से देखकर हमें आशीष दो, जैसे मलयगिरी में पाए जाने वाला चंदन वृक्ष समस्त तापों का हरण कर लेता है, अथवा जिस प्रकार बादल जलवृष्टि कर लोगों को शीतलता और आनंद पहुंचाते हैं, या जैसे वसंत में खिले फूल ईश्वर पूजन के काम आते हैं, इसी प्रकार श्री साईं बाबा की कथाएं पाठकों तथा श्रोताओं को धैर्य एवं सांत्वना देती है। जो कथा कहते या श्रवण करते हैं वे दोनों ही धन्य हैं, क्योंकि उनके कहने से मुख तथा श्रवण से कान पवित्र हो जाते हैं। यह तो सर्वमान्य है कि चाहे हम सैकड़ों प्रकार की साधनाएं क्यों ना करें, जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होती तब तक हमें अपने आध्यात्मिक ध्येय की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी विषय में यह निम्नलिखित कथा सुनिए। काका साहेब दीक्षित सन 1864 और 1926। श्री हरि सीताराम उपनाम काका साहेब दीक्षित सन 1864 में वड़नगर के नागर ब्राह्मण कुल में खंडवा में पैदा हुए थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा खंडवा और हिंगणघाट में हुई, माध्यमिक शिक्षा नागपुर में उच्च श्रेणी में प्राप्त करने के बाद उन्होंने पहले विल्सन तथा बाद में एल्फिंस्टन कॉलेज में अध्ययन किया। सन 1883 में उन्होंने विधि स्नातक LLB और कानूनी सलाहकार सॉलिसिटर की परीक्षाएं उत्तीर्ण की और फिर वे सरकारी सॉलिसिटर फर्म मेसर्स लिटिल एंड कंपनी में कार्य करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने अपनी एक सॉलिसिटर फर्म शुरू कर दी। सन 1909 के पहले तो बाबा की कीर्ति उनके कानों तक नहीं पहुंची थी, परंतु इसके पश्चात वे शीघ्र ही बाबा के परम भक्त बन गए। जब वे लोनावाला में निवास कर रहे थे तो उनकी अचानक भेंट अपने पुराने मित्र नाना साहेब चांदोरकर से हुई। दोनों ही इधर उधर की चर्चाओं में समय बिताते थे। काका साहेब ने उन्हें बताया कि जब वे लंदन में थे तो रेलगाड़ी पर चढ़ते समय कैसे उनका पैर फिसला तथा कैसे उसमें चोट आई, इसका पूर्ण विवरण सुनाया। नाना साहेब ने उनसे कहा कि यदि तुम इस लंगड़ेपन तथा कष्ट से मुक्त होना चाहते हो तो मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा की शरण में आ जाओ। उन्होंने बाबा का पूरा पता बताकर उनके कथन को दोहराया कि मैं अपने भक्त को 7 समुद्रों के पार से भी उसी प्रकार खींच लूँगा जिस प्रकार की एक चिड़िया को जिसका पैर रस्सी से बंधा हो खींच कर अपने पास लाया जाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि तुम बाबा के निजी जन ना हो तो तुम्हें उनके प्रति आकर्षण भी ना होगा और ना ही उनके दर्शन प्राप्त होंगे। काका साहेब को ये बातें सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा वे शिरडी जाकर बाबा से प्रार्थना करेंगे कि शारीरिक लंगड़ेपन का
लंगड़ेपन के बदले उनके चंचल मन को अपंग बनाकर परमानंद की प्राप्ति करा दे। कुछ दिनों के पश्चात ही बंबई विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में मत प्राप्त करने के संबंध में काका साहेब दीक्षित अहमदनगर गए और सरदार काका साहेब मिरिकर के यहाँ ठहरे। श्री बाला साहेब मिरिकर, जो कि कॉपर गांव के मामलतदार थे तथा काका साहेब मिरिकर के सुपुत्र थे, वे भी इसी समय अश्व प्रदर्शनी देखने के हेतु अहमदनगर पधारे थे। चुनाव का कार्य समाप्त होने के पश्चात काका साहेब दीक्षित शिरडी जाना चाहते थे। यहाँ पिता और पुत्र दोनों ही घर में विचार कर रहे थे कि काका साहेब के साथ भेजने के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त होगा, और दूसरी ओर बाबा अलग ही ढंग से उन्हें अपने पास बुलाने का प्रबंध कर रहे थे। श्यामा के पास एक तार आया कि उनकी सास की हालत अधिक शोचनीय है और उन्हें देखने वे शीघ्र ही अहमदनगर को आए। बाबा से अनुमति प्राप्त कर श्यामा ने वहां जाकर अपनी सास को देखा, जिनकी स्थिति में अब पर्याप्त सुधार हो चुका था। प्रदर्शनी को जाते समय नाना साहेब पानसे तथा अप्पा साहेब गर्दे की दृष्टि अचानक श्यामा पर पड़ी। उन्होंने श्यामा से मिरिकर के घर जाकर काका साहेब दीक्षित से भेंट करने तथा उन्हें अपने साथ शिरडी ले जाने को कहा। उन्होंने श्यामा के आगमन की सूचना काका साहेब दीक्षित और मिरिकर को भी दे दी। संध्या समय श्यामा मिरिकर के घर आए। मिरिकर ने श्यामा का काका साहेब दीक्षित से परिचय करा दिया और फिर ऐसा निश्चित हुआ कि काका साहेब दीक्षित उनके साथ रात 10 बजे वाली गाड़ी से कॉपर गांव को रवाना हो जाएं। इस निश्चय के बाद ही एक विचित्र घटना घटी। बाला साहेब मिरिकर ने बाबा के एक बड़े चित्र पर से पर्दा हटाकर काका साहेब दीक्षित को उनके दर्शन कराए तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिनके दर्शनार्थ मैं शिरडी जाने वाला हूँ, वे ही इस चित्र के रूप में मेरे स्वागत हेतु यहाँ विराजमान हैं। तब अत्यंत दबित होकर वे बाबा की वंदना करने लगे। यह चित्र मेगा का था और कांच लगाने के लिए मिरिकर के पास आया था। दूसरा कांच लगवा कर उसे काका साहेब दीक्षित तथा श्यामा के हाथ वापस शिरडी भेजने का प्रबंध किया गया। 10 बजे से पहले ही स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने द्वितीय श्रेणी का टिकट ले लिया। जब गाड़ी स्टेशन पर आई तो द्वितीय श्रेणी का डिब्बा खचाखच भरा हुआ था। उसमें बैठने को तिल मात्र भी स्थान ना था। भाग्यवश गार्ड साहब काका साहेब दीक्षित की पहचान के निकल आए और उन्होंने इन दोनों को प्रथम श्रेणी के डब्बे में बिठा दिया। इस प्रकार सुविधापूर्वक यात्रा करते हुए वे कॉपर गांव के स्टेशन पर उतरे। स्टेशन पर ही शिरडी को जाने वाले नाना साहेब चांदोरकर को देखकर उनके हर्ष का पारावार ना रहा। शिरडी पहुंचकर उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए। तब बाबा कहने लगे कि मैं बड़ी देर से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। श्यामा को मैंने ही तुम्हें लाने के लिए भेज दिया था। इसके पश्चात काका साहेब ने अनेक वर्ष बाबा की सानिध्य में व्यतीत किए। उन्होंने शिरडी में एक वाड़ा यानी दीक्षित वाड़ा बनवाया, जो उनका प्राय स्थायी घर हो गया। उन्हें बाबा से जो अनुभव प्राप्त हुए, वे सब स्थानाभाव के कारण यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। पाठकों से प्रार्थना है कि वे श्री साईलीला पत्रिका के विशेषांक काका साहेब दीक्षित भाग 12 के अंक 6 और 9 तक देखें। उनके केवल एक दो अनुभव लिखकर हम यह कथा समाप्त करेंगे। बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि अंत समय आने पर बाबा उन्हें विमान में ले जाएंगे, जो सत्य निकला। तारीख 5 जुलाई सन 1926 को वे हेमाडपंत के साथ रेल से यात्रा कर रहे थे। दोनों में साईं बाबा के विषय में बातें हो रही थी। वे श्री साईं बाबा के ध्यान में अधिक तल्लीन हो गए। तभी अचानक उनकी गर्दन हेमाडपंत के कंधे से जा लगी और उन्होंने बिना किसी कष्ट तथा घबराहट के अपनी अंतिम श्वास छोड़ दी। श्री टेम्बे स्वामी, अब हम द्वितीय कथा पर आते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि संत परस्पर एक दूसरे को किस प्रकार भ्रातृवत प्रेम किया करते हैं। एक बार श्री वासुदेवानंद सरस्वती श्री टेम्बे स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं,
ने गोदावरी के तीर पर राजमहेंद्री में आकर डेरा डाला। वे भगवान दत्तात्रेय के कर्मकांडी ज्ञानी तथा योगी भक्त थे। नांदेड़ निजाम स्टेट के एक वकील अपने मित्रों के साथ उनसे भेंट करने आए और वार्तालाप करते करते श्री साईं बाबा की चर्चा भी निकल पड़ी। बाबा का नाम सुनकर स्वामी जी ने उन्हें करबद्ध प्रणाम किया और पुंडली कराव वकील को एक श्रीफल देकर उन्होंने कहा कि तुम जाकर मेरे भ्राता श्री साईं को प्रणाम कर कहना कि मुझे ना बिसरे तथा सदैव मुझ पर कृपा दृष्टि रखें। उन्होंने यह भी बताया कि सामान्यतः एक स्वामी दूसरे को प्रणाम नहीं करता, परंतु यहाँ विशेष रूप से ऐसा किया गया है। श्री पुंडली कराव ने श्रीफल लेकर कहा कि मैं इसे बाबा को दे दूंगा तथा आपका संदेश भी कह दूंगा। एक मास के पश्चात श्री पुंडली कराव अन्य मित्रों सहित श्रीफल लेकर शिरडी को रवाना हुए। जब वे मनमाड पहुँचे तो प्यास लगने के कारण एक नाले पर पानी पीने गए। खाली पेट पानी ना पीना चाहिए, यह सोचकर उन्होंने कुछ चिवड़ा खाने को निकाला, जो खाने में कुछ अधिक तीखा सा प्रतीत हुआ। उसका तीखापन कम करने के लिए किसी ने नारियल फोड़कर उसमें खोपरा मिला दिया और इसी तरह उन लोगों ने चिवड़ा स्वादिष्ट बनाकर खाया। अभाग्यवश जो नारियल उनके हाथ से फूटा वह वही था जो स्वामी जी ने पुंडली कराव को भेंट में देने को दिया था। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें नारियल की स्मृति हो आई। उन्हें यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि भेंट स्वरूप दिए जाने वाला नारियल ही फोड़ दिया गया। डरते डरते और कांपते हुए वे शिरडी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने बाबा के दर्शन किए। बाबा को तो यहां नारियल के संबंध में स्वामी से बेतार का तार प्राप्त हो चुका था, इसीलिए उन्होंने पहले ही पुंडली कराव से प्रश्न किया कि मेरे भाई की भेजी हुई वस्तु लाओ। उन्होंने बाबा के चरण पकड़कर अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपनी चूक के लिए उनसे क्षमा याचना की। वे उसके बदले में दूसरा नारियल देने को तैयार थे, परंतु बाबा ने यह कहते हुए उसे अस्वीकार कर दिया कि उस नारियल का मूल्य इस नारियल से कई गुना अधिक था और उसकी पूर्ति इस साधारण नारियल से नहीं हो सकती। फिर वे बोले कि अब तुम कुछ चिंता ना करो, मेरी इच्छा से वह नारियल तुम्हें दिया गया तथा मार्ग में फोड़ा गया। तुम स्वयं में कर्तापन की भावना क्यों लाते हो? कोई भी श्रेष्ठ या कनिष्ठ कर्म करते समय अपने को कर्ता ना जानकर अभिमान तथा अहंकार से परे होकर ही कार्य करो, तभी तुम्हारी शीघ्रता से प्रगति होगी। कितना सुंदर था उनका यह आध्यात्मिक उपदेश। श्री बालाराम धुरंधर सन 1878 से 1995 सांता क्रूज बम्बई के श्री बालाराम धुरंधर प्रभु जाति के एक सज्जन थे। वे बम्बई के उच्च न्यायालय में एडवोकेट थे तथा किसी समय शासकीय विधि विद्यालय गवर्नमेंट लॉ स्कूल बम्बई के प्राचार्य भी थे। उनका संपूर्ण कुटुंब सात्विक तथा धार्मिक था। श्री बालाराम ने अपनी जाति की योग्य सेवा की और इस संबंध में एक पुस्तक भी प्रकाशित कराई। इसके पश्चात उनका ध्यान आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों पर गया। उन्होंने ध्यानपूर्वक गीता, उसकी टीका ज्ञानेश्वरी तथा अन्य दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन किया। वे पंढरपुर के भगवान विठोबा के परम भक्त थे। सन 1912 में उन्हें श्री साईं बाबा के दर्शनों का लाभ हुआ। 6 मास पूर्व उनके भाई बाबुलजी और वामन राव ने शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए थे और उन्होंने घर लौटकर अपने मधुर अनुभव भी श्री बालाराम व परिवार के अन्य लोगों को सुनाए। तब सब लोगों ने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। यहाँ शिरडी में उनके पहुँचने के पूर्व ही बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आज मेरे बहुत से दरबारी गण आ रहे हैं। अन्य लोगों द्वारा बाबा के उपरोक्त वचन सुनकर धुरंधर परिवार को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी यात्रा के संबंध में किसी को भी इसकी पहले से सूचना ना दी थी। सभी ने आकर उन्हें प्रणाम किया और बैठकर वार्तालाप करने लगे। बाबा ने अन्य लोगों को बतलाया कि यह मेरे दरबारी गण हैं जिनके संबंध में मैंने तुमसे पहले कहा था। फिर धुरंधर
भ्राताओं से बोले कि मेरा और तुम्हारा परिचय 60 जन्म पुराना है। सभी नम्र और सभ्य थे, इसलिए वे सब हाथ जोड़े हुए बैठे बैठे बाबा की ओर निहारते रहे। उनमें सब प्रकार के सात्विक भाव जैसे अश्रुपात, रोमांच तथा कंठावरोध आदि जागृत होने लगे और सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके पश्चात वे सब अपने निवास स्थान को गए और भोजन तथा थोड़ा विश्राम लेकर पुनः मस्जिद में आकर बाबा के पांव दबाने लगे। इस समय बाबा चिलम पी रहे थे। उन्होंने बालाराम को भी चिलम देकर एक फूंक लगाने का आग्रह किया। यद्यपि अभी तक उन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया था, फिर भी चिलम हाथ में लेकर बड़ी कठिनाई से उन्होंने एक फूंक लगाई और आदरपूर्वक बाबा को लौटा दी। बालाराम के लिए तो यह घड़ी अनमोल थी। वे 6 वर्षों से श्वास रोग से पीड़ित थे, पर चिलम पीते ही वे रोग मुक्त हो गए। उन्हें फिर कभी यह कष्ट ना हुआ। 6 वर्षों के पश्चात उन्हें एक दिन पुनः श्वास रोग का दौरा आया। यह वही महापुण्यशाली दिन था जबकि बाबा ने महासमाधि ली। वे गुरुवार के दिन शिरडी आए थे। भाग्यवश उसी रात्रि को उन्हें चावड़ी उत्सव देखने का अवसर मिल गया। आरती के समय बालाराम को चावड़ी में बाबा का मुखमंडल भगवान पांडुरंग सरीखा दिखाई पड़ा। दूसरे दिन कांकड़ आरती के समय उन्हें बाबा के मुखमंडल की प्रभा पुनः अपने परम इष्ट भगवान पांडुरंग के सदृश ही दिखाई दी। श्री बालाराम धुरंधर ने मराठी में महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम का जीवन चरित्र लिखा है, परंतु खेद है कि पुस्तक प्रकाशित होने तक वे जीवित न रह सके। उनके बंधुओं ने इस पुस्तक को सन 1926 में प्रकाशित कराया। इस पुस्तक के प्रारंभ में पृष्ठ 6 पर उनकी जीवनी से संबंधित एक